सो हेलो एवरीवन है, नमस्कार। तो यार इन दिस वीडियो ना मैं एक चैलेंज करने वाला हूँ। मतलब मैं ना अगले 7 दिनों के लिए किसी को भी पहले टेक्स्ट नहीं करने वाला हूँ। आई नो लड़कियों के लिए ना आई डोंट थिंक कि इट्स अ बिग डील कि मतलब पहले टेक्स्ट ना करना, वो तो वैसे भी पहले नहीं करती हैं। पर यार मेरे लिए ना आई डोंट नो वाई, पर ये ना एक बहुत बड़ी डील है कि मतलब किसी को भी पहले टेक्स्ट ना करना एंड ऑल। तो अगले 7 दिनों के लिए ना मैं ये चैलेंज करने वाला हूँ कि मैं किसी को भी मतलब पहले टेक्स्ट नहीं करूँगा। देखते हैं फिर कौन कौन मतलब सच में सामने से टेक्स्ट करता है या नहीं। एक्चुअली मैंने ना ये चैलेंज कर लिया था और मैं ये इंट्रो और आउट्रो डे 7 में शूट कर रहा हूँ। मतलब सब कुछ चैलेंज खत्म करने के बाद ये सब मैं शूट कर रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना। सो विद दिस थिंग्स एंड लेट्स स्टार्ट इट। तो इट्स ऑफिशियली द एंड ऑफ द डे 1। और यार आज का दिन ना मतलब सही ही था। आई गॉट 5 to 6 टेक्स्ट और हाँ उनमें से एक तो मतलब कॉलेज क्लासेस के ही थे, पर यार फिर भी मतलब 5-6 टेक्स्ट आ ही गए हैं। शायद लोग मतलब वैसे भी याद कर लेते हैं, पर लेट्स सी हाउ इट गोज, मतलब अगले दिन कैसे जाते हैं। तो टिल देन हैव अ गुड डे। तो इट्स ऑफिशियली द एंड ऑफ द डे 2। और यार आज का दिन ना मतलब ठीक ही था, ना ज़्यादा कुछ खास था ना मतलब इतना ज़्यादा बुरा था। आई गॉट 4 टेक्स्ट, हाँ उनमें से एक कॉलेज क्लासेस का था और एक पिछली रात की जो कॉन्वर्सेशन चल रही हुई थी उसका था, पर 4 टेक्स्ट मिल ही गए हैं फिर भी। लेट्स सी अगला दिन कैसा जाता है। टिल देन हैव अ गुड डे। तो इट्स ऑफिशियली द एंड ऑफ द डे 3। और यार लग रहा है ना कि लोग धीरे धीरे मतलब मुझे भूलते जा रहे हैं। आज बस 2 टेक्स्ट आए, एक कॉलेज क्लासेस का और दूसरा जो पिछली रात की जो कन्वर्सेशन चल रही थी ना उसी का, मतलब आगे को वो रिप्लाई था, कोई एक नया टेक्स्ट नहीं था। यार क्या ही हो रहा है। चलो देखते हैं आगे क्या बनता है। लेट्स सी हाउ इट गोज। टिल देन हैव अ गुड डे। तो इट्स ऑफिशियली द एंड ऑफ द डे 4। और यार आज का दिन ना मतलब क्या ही बताऊं, आज एक तो मेरी कॉलेज क्लासेस भी नहीं थी और गेस हाउ मेनी टेक्स्ट आई गॉट, 0। यार एक भी मैसेज नहीं आया है। ऐसे कॉलेज क्लासेस का तो आ जाता था, पर आज मतलब कॉलेज क्लासेस भी नहीं थी तो वो भी नहीं आया है। चलो देखते हैं क्या बनता है अगले दिनों में। टिल देन हैव अ गुड डे। यार आई सीरियसली नीड अ हेयर कट, देखते हैं कल परसों तक। तो आज 5वां दिन भी बीत गया और यार आज ना बस एक टेक्स्ट आया है, वो भी पता किसका, कॉलेज क्लासेस ज्वाइन करने का, जो ऑनलाइन क्लासेस लगी होते हैं उसको ज्वाइन करने का। आई हैव नो वर्ड्स लेफ्ट टू से। सो दैट्स अ सीट फॉर टुडे। देखते हैं कल परसों, शायद दिन अच्छा जाए शायद ना, देखते हैं क्या बनता है। टिल देन हैव अ गुड डे। तो इट्स ऑफिशियली द एंड ऑफ द डे 6। और यार आज का दिन ना मतलब पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर था, और मतलब बेटर भी था और बुरा भी था, क्योंकि यार आज ना मेरा एक एग्ज़ाम था और उसके चक्कर में ना मुझे 4 टेक्स्ट आए हैं। सारे के सारे टेक्स्ट ना बस एग्ज़ाम से रिलेटेड थे, मतलब कोई ऐसे फालतू के टैक्स नहीं थे, कि ऐसे मतलब सिंपल कॉन्वर्सेशन के। पता नहीं इसे एक अच्छी बात समझूं या बुरी बात। तो दैट्स इट फॉर टुडे, कल आखिरी दिन है, देखते हैं कल क्या बनता है। टिल देन हैव अ गुड डे। सो इट्स ऑफिशियली द एंड ऑफ द डे 7। और यार आज ना बस एक टेक्स्ट आया है, वो भी मतलब क्लासेस का, कॉलेज की मेरी जो क्लासेस थी उसका। तो यार इन 7 दिनों में ना मैंने बहुत कुछ सीखा, मतलब बहुत कुछ मैंने अपनी लाइफ के बारे में देखा कि यार मेरी लाइफ में ना दोस्तों की सच में बहुत कमी है। मतलब आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स इन लाइफ और आई डोंट थिंक कि एनीवन्स रियली केयर अबाउट मी, क्योंकि यार मैंने ये नोटिस किया ना कि मतलब हर कोई ना मतलब मुझे तब भी टेक्स्ट करता है जब उन्हें कोई काम होता है, या फिर मतलब किसी और काम से रिलेटेड ही मतलब हर कोई टेक्स्ट करता है। कभी किसी ने मतलब ऐसे फालतू में, या फिर मतलब किसी मतलब ऐसे ही फालतू में कभी कोई टेक्स्ट ही नहीं किया कि भाई ऐसी बात कर लेते हैं इसके लिए। और मैंने ये देखा ना कि इससे पहले जब मतलब मैं खुद सबको टेक्स्ट करता था, वो सभी के मतलब सामने से रिप्लाई आता था, सब बात करते थे, तो मैं ये सोचता था कि सब मतलब मुझसे बात करना चाहते हैं। पर यार अब रियलाइज़ हुआ ना कि नो वन रियली वॉन्ट्स टू टॉक टू मी, क्योंकि यार वो सब ना बस मतलब मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई करते थे, उन्होंने कभी मुझे खुद मैसेज नहीं किया है, उन्होंने खुद कभी मतलब मुझसे बात नहीं किया है। तो आई डोंट थिंक दे रियली वॉन्ट टू टॉक विद मी। सो दैट्स इज इट फॉर टुडे। मतलब ये था मेरा 7 दिनों का एक्सपीरियंस। तो अब ना मैं आगे मतलब ऐसे ही डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। आई होप आपको ऐसे चैलेंजेस पसंद आने वाले हैं, ऐसे मतलब चैलेंजेस की ये वीडियो, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के ये वीडियोस आपको पसंद आने वाली हैं। सो दैट्स इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। वैसे यार आप भी एक बार इस चैलेंज को करके ज़रूर देखना, आई बैट कि आपको भी इसमें से बहुत कुछ अपनी लाइफ के बारे में सीखने को मिलेगा, अपनी लाइफ के बारे में मतलब देखने को मिलेगा कि कौन कौन आपके सच में फ्रेंड्स हैं या नहीं, कैसी मतलब आपकी लाइफ चल रही है, कैसे मतलब लोग मतलब आपसे सच में बात करना भी चाहते हैं, यानी दे डू रियली केयर अबाउट यू और नॉट एंड ऑल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। सो
अगर वीडियो पसंद आया तो उस पर लाइक और कमेंट जरूर करना, और मेरी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।